तो चलिए चार्ट्स में हम अगला टॉपिक अपना कवर करते हैं और आगे की चीज़ें हम चार्ट्स में सीखते हैं। तो चार्ट में मैंने आपको बेसिकली बताया कि किस तरीके से हम चार्ट्स में यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग और बाकी चीज़ें हमने बताई। अब कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपके साथ में हम कैरी करना चाहेंगे। जैसे अगर हमें सिर्फ, मान लीजिए कि सिर्फ मुझे 60% के बारे में, 60% इसका मुझे अगर चार्ट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ओनली फॉर 60% का चार्ट दिखाना तो थोड़ा सा क्रिटिकल दिखता है इसको। तो इसके कई सारे तरीके हैं इसको चार्ट में शो करने के, कई सारे तरीके हैं और हम इसी चार्ट के तरीके पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला पहला तरीका कुछ इस तरह का होगा कि एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 60, यहाँ पे से 60%, 100%, यहाँ पे 100% और यहाँ पे 100%, दो ले लिया। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे चार्ट, और ये जो चार्ट बाद टेक कॉलेज चार्ट इसको ले लेते हैं। इसके बाद इस नीचे को डिलीट कर देते हैं। एक बार डिलीट नहीं करते, एक बार डिलीट नहीं करते, डिलीट नहीं करते, इनको डिलीट कर देता अगलवा। तो ये आपका 60%, ये आपका 100%। अब जैसे जैसे यहाँ परसेंटेज हम करेंगे, अभी इसको एक काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में फिल्ड के अंदर में इसको मैं सॉलिड फिल्ड में इसको ब्लैक कर देता हूँ। और इसको राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, फिल में जाता हूँ और इसके सॉलिड फिल के अंदर में इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ फिल डेटा हमारा बढ़ते जाएगा उस तरह से यहाँ पे छोटा होता जाएगा। लेकिन ये भी इतने सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसको एक और तरीका है बनाने का, हमने थोड़ी सी गलती कर दी शायद इसमें लग रहा है। 100%, 100%, यहाँ पे 100%, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसमें 60 लेते हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा हमें गलत कर दी, हम ए चार्ट लेना था। ओके हाँ ए सही रहता, तो ए है आपका इसका, ए है इसका। तो फिर मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये 100% है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सील इसको पूरा का पूरा ब्लैक, एकदम ब्लैक सॉलिड फिल में जाया कर देता हूँ, एकदम ब्लैक। और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल में फिल सॉलिड, इसमें सॉलिड फिल, और इसका मैं कर देता हूँ ये, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता हूँ। उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट डेटा सीरीज, या सेपरेट आता है तो सेपरेट क्या होता है, इस तरीके से होता है। ओके अब इसमें क्या है कि पहले नंबर पे है तो इस वन को हमें टू कर देता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है फिर राइट क्लिक यहाँ पे इसको राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल, और इसका कलर इधर। तो जैसे जैसे इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे जैसे जैसे बाल्टी के कलर जैसे फील होते हैं ऐसे फील होते जाएंगे। ठीक है सुना है आप लोगों को? इसको और अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा। 3D फॉर्मेट में चार्ट वार स्टाइल मार के जितना अच्छा फॉर्मेटिंग करेगा उतना अच्छा ही दिखेगा। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि इस तरह कंसेप्ट से बन सकता है। ठीक है या दूसरा तरीका यहां पे, मैं यहां पे 60% डाल देता हूं, 60%,
अब इसको कुछ इस तरह से डालते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 50% माइनस ए डालेंगे और फिर 50%। मतलब कि मुझे इस तरह से करना है कि तीनों हमारा मिलके 100% बनना चाहिए। एक सेकेंड होल्ड करें, मैं फोन उठा लेता हूँ सर, ये काफी देर से परेशान कर रहा है हमें। तो ये हुआ, अब इसको सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट, और यहाँ पे हम पाई चार्ट ले लेते हैं, पाई चार्ट आ गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसको मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नीचे आ जाए पूरा, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये 270 पे होता है, आई थिंक 270 या 72 पे होता है, 270 ही होगा। हाँ सही है। फिर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा पॉइंट, और फिल में मैंने इसको कर दिया नो फिल। तो इससे क्या हो गया कि आपका इस तरह का आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा पॉइंट फिल, इसकी कलर थोड़ी सी मैं ब्लैक कर देता हूँ सॉलिड फिल में, या फिर जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहो। नहीं ये नहीं होगा, ये सही जाएगा। इसकी कलर सेलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा पॉइंट, और इसकी मैं फिल में जाता हूँ सॉलिड फिल, और इसका कलर थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं अब यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक काम करता हूँ, टाइटल कर देता हूँ सिलेक्ट डेटा में इसको एडिट, सीरीज नेम में इसको ये डाल दो एंड ओके कर दो, एंड ओके यहाँ आ गया 60। इसको आप यहाँ पे रख दो या कहीं और रखना चाहते हो। फिर हम इसी में चार टूल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो आता है, अगर चार टूल्स पे हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में मेरे पास जो है यहाँ पे शेप फिल डिजाइन हो गया, लेआउट, हाँ लेआउट पे जाते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, बाहर से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, लेआउट से ही टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा, नहीं तो ये चार्ट का पार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अलग से हो जाएगा, चार्ट उठाओगे तो वो आपका नहीं उठेगा। 0% और फिर मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे लेआउट चार्ट, फिर यहाँ पे सॉरी लेआउट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से मैंने 100% कर दिया, 100%, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रखता हूँ 50%, तो एक और कर सकता हूँ मैं इंसर्ट यहाँ पे, सॉरी यहाँ से ही लीजिएगा, हमेशा चार्ट पे क्लिक कीजिए, चार्ट टूल्स लेआउट, और यहाँ से लीजिए ताकि वो चार्ट का पार्ट बना रहे। ओहो 50%, ऐसे आप 10, 15, 20 का मीटर ही बना सकते हो। तो जैसे जैसे आप यहाँ चेंज करोगे आपका उस तरह से यहाँ पे चार दिखेगा। ठीक है, आया समझ में? हेलो, विनोद जी, समझ में आया आपको ये? तो इस तरह से आप बना सकते हो, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं।
एक लिंक किसी बच्चे ने भेजा था, बोला कि इसमें चार्ट के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार देखता हूँ क्या भेजा उन्होंने। हाँ ये ना स्पीडोमीटर चार्ट, आई थिंक ये स्पीडोमीटर चार्ट है। ये बता रहा है इस तरह का स्पीडोमीटर आप बना सकते हैं, इस तरह का स्पीडोमीटर। Hello everybody and welcome to my e-lesson. I'm your guru Al. In this video, I will teach you how to create a speedometer in Excel. Just look for the video about how the needle goes up and down. See? As the value changes over here, the pointer moves between 100, 0 to 100. See? This is so cool, you won't believe. And it's so very easy to make. बेसिकली ये चार्ट को मैंने काफ़ी पहले खुद से बनाया था। इसमें होता है क्या है कि ए आपका एक बार ए चार्ट होता है, ए इस तरह का चार्ट होते हैं। तो इसको भी सेम सेम चीज़ में जो आपको दिख रहे हो ना, सेम चीज़ में बनाया जाता है। तो इसमें मैंने तीन पार्ट किए ना, इसमें इसमें चार पार्ट करने होते हैं। देखिए पंद्रह, पैंतालीस और साठ, मैक्सिमम 100 है आपका, 200 हो गया ना यहाँ पे। हाँ ये थर्मोमीटर चार्ट है, ये आपका स्पीडोमीटर चार्ट। देखिए इसने इसे यही से नकल किया है। देखिए काफी पहले मैंने इसे देख के बनाया था। ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हुए, ठीक है। तो स्टार्ट में यहाँ पे क्या करना होता है, इसको तो मैं इसको समझाऊँ आपको। तो इसमें इसका फाइल भी है, एक बार फाइल ही डाउनलोड कर लेता हूँ उसका। आप लोग इस तरह के चार्ट जो है देख सकते हैं आप। तो फाइल था ना, ये रहा। तो इसी को कॉपी करता हूँ मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले इसने ये ले रखा है, इसको तीन भागों में बांटा है इसने। तो इसने क्या है कि रेड, येलो और ग्रीन। तो इसने रेड बोला 45 होना चाहिए, येलो 55 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 45, 10, 45 और यहाँ पे इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। कॉपी करके मैं इसको पेज से जो वैल्यू करता हूँ, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे बनता कैसे है। और मैं एक बार दिखा दूँ फिर आप इसको कर सकते हो।
कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पैतालीस, दस, पैतालीस। इन सबों को मिला के 200 होने चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं 60 सेलेक्ट करके अगर मैं इंसर्ट में जाऊं और ए वाला चार्ट जो है ए लेआउट चार्ट यूज करूं तो इसमें इस तरह से आएंगे। अब इसको मैं येल्लो कलर या कोई और कलर करना है तो कर लो। अब इसमें राइट क्लिक, इस पे राइट क्लिक, इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सीरीज में जाइए, इसके रोटेशन इसको भी रोटेट कीजिए 270 पे, 270 आ गया। फिर नीचे वाले क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट डेटा पॉइंट जो कर दीजिए नो फिल, फिल नो फिल, और माफ कीजिए गलत हो गया हमने, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, फिल नो फिल, ठीक है। इसको डिलीट कर दीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद यहां पे क्या है, देखिए ये जो ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, बेसिकली ये कौन सा चार्ट है आपका, ये चार्ट है आपका ए वाली चार्ट, इंसर्ट पाई चार्ट है आपका। तो इसको किस तरह से किया गया है, इसको इसने ए किया इंडिकेटर के लिए, यहां 25, उसके बाद इसको इसने सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट करने के इन सबों का सम भी आपका 200 आना चाहिए, याद रखिएगा इसका भी सम 200 आना चाहिए। इंसर्ट, फिर इसमें मैंने बाय इसे ए चार्ट लिया, पाई चार्ट लिया, और इसके बाद हमने क्या किया, अभी देखिए ए जो है आपका, अभी इसकी गौर कीजिए, इस पर सुई जो है इस तरह से है, तो 25 है। अब इसको इसने रोटेट कर दिया क्योंकि हमें जो ए लेके आना है इधर लेके आना, तो सबसे पहले इसने इसको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सीरीज में गए, इसको नो फिल कर दिया ताकि पीछे का एरिया दिख जाए, फिर इसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, इसको सॉरी राइट क्लिक, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इसको भी नो फिल कर दिया हमने। नो फिल करने के बाद ये जो एरिया है इसको भी हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट एरिया, इसको भी कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रोटेशन करता हूँ, एक सेकेंड, मैं पहले यहां पे 0 दे देता हूं, उसके बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट एरिया, और हमने यहां पे इसको रोटेट करता हूं, थोड़ा सा नीचे लेके आइए, हो गया सीधा है, 0 दे आए, 0 है हमारा ना एकदम यहां पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सही, कंट्रोल जेड करते हैं, वहां पर जैसा था वैसे ठीक था, राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, फिल में इसको नो फिल, वो हमने गलत कर दी, इस पे डबल क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इसको कर देते हैं फिल नो फिल, ठीक है। सिर्फ इस पे सेलेक्ट करते एक बार इसको बढ़ा देते, सिलेक्शन नहीं उड़ाया तो मैं इसको 5 कर देता हूं, फिर रेड पे रेड दिख ही रहा है ना, अब इसकी कलर को ही ले लेते हैं ग्रीन, तो इस पे क्लिक कीजिए डबल क्लिक, हाँ इसकी कलर कर देते कोई और कलर ताकि दिखे, ब्लैक कलर सही रहेगा। अब फिर इसको 1 कर देते हैं, उसके बाद यहां पे कीजिए 20,
नहीं है, यहाँ 20 ये आ गया। अब इसको इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको भी कर दीजिए आप 9 से भी, आप देखिए 25, 50, ठीक है 60। इसको आपने ढंग से अच्छे तरीके से और इसको कर दीजिए, और अच्छे तरीके दिखाना है तो यहाँ पे आइए और इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आपको ये दिखेगा ए रहा। अब इसको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आया समझ में स्पीडोमीटर चार्ट कैसे बनता है? ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो अलग अलग चीजें दी गई है, अब उसका यूज करना है। यहां पे देखिए इस तरह से यूज करना है, यहां पे यूज करना है, तो आपको स्पीडोमीटर चार्ट। तो इसमें हमने आपको दो चीज, एक तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बिहाफ पे चार्ट बनाना सिखाया, किस तरीके से परसेंटेज के बिहाफ पे हम चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अगली कुछ क्लासेस में भी हम इसी तरह की हम चार्ट के एग्जांपल्स लेंगे। अब इसमें और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, जैसे कि इसमें अगर हम बैक करूं, तो यहाँ पे क्या है, ये तो था स्पीडोमीटर। इसके बाद आते हैं तो इसमें आता है बुलेट चार्ट। इस तरह का बुलेट चार्ट, ये तो पता ही आपको, ये तो हमें इसके रैप टेक्स्ट बनाते हैं। तो आप इस वेबसाइट को देखो, इसमें जो चार्ट अवेलेबल है उस चार्ट को बनाने की कोशिश करो। ठीक है सर, कि जो चार्ट नहीं बनता है उसको मैं बताओ, मैं आपको बनाने का आपको मैं बताऊंगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल। और आपको लोगों को काफी प्रैक्टिस करना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।